हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जापान में फंसे 119 भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में समंदर किनारे डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप में ये भारतीय फंसे हुए थे। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है देश को। भारतीय लोगों के साथ श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के 5 नागरिक भी लाए गए हैं जो भारत के मित्र देश हैं। जयशंकर ने मदद के लिए जापान के अधिकारियों की तारीफ की है। ये वो शिप जहां ये तमाम लोग फंसे हुए थे जिनमें 119 भारतीय हैं। और बड़ी बात यह है कि 119 भारतीयों के साथ साथ मित्र देशों के नागरिकों को भी लाया जा रहा है। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनसे जुड़ते हैं। प्रणय, क्या खबर है? जो 119 भारतीय लाए गए हैं उसमें से कुछ भारतीयों को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड भी हो गए थे, क्या वो लोग भी इसी विमान से वापस लाए गए हैं भारत? नहीं विकास, वो लोग फिलहाल नहीं लाए गए हैं, लेकिन जो लोग सुरक्षित थे, जो लोग, क्योंकि आपको ध्यान होगा इस पे, करीब जो भारतीय चालक दल था वो 6 लोग वो, और उसके अलावा 120 जो यात्री थे वो थे। और आपको पता है कि करीब 5 जो भारतीय हैं वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड थे डायमंड प्रिंसेस जहाज में, जो कि योकोहामा जापान का जगह है, वहां तक के ऊपर क्वारंटाइन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस जानकारी के लिए। प्रणय बहुत अहम जानकारी दे रहे थे, जो एक बार फिर आपकी सहूलियत के लिए रिपीट कर देते हैं कि जो 119 भारतीय लाए जा रहे हैं उनमें कोई भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड नहीं है और 5 भारतीय जो वो इन्फेक्टेड है वो वहीं पर अभी भी मौजूद है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।